Hi beautiful, welcome back to my channel. और मैं आज शादी सीरीज का और एक वीडियो बनाने जा रही हूँ जिसमें है मैंने ब्राइडल किट एक तैयार किया है. सो जो नई ब्राइड्स है उन लोगों को अगर कंफ्यूजन है कि किस तरह से अपना ब्राइडल किट ब्राइडल मेकअप किट तैयार करें तो उसके ऊपर एक फुल ये वीडियो होने वाला है. और ऐसा भी हो सकता है कि आप ब्राइड ना हो, जो ये वीडियो देख रहे हो वो ब्राइड ना हो, लेकिन आप अपने बहन की और अपने भाभी के लिए या तो फिर खुद के लिए भी ये किट रेडी कर सकते हो. और ये वीडियो आई थिंक आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है. और मैंने इस पर एक दो ऑप्शंस भी दिए हुए होंगे, ऐसे नहीं कि एक ही प्रोडक्ट दिखा रही हूँ और वही परचेज करना है, लेकिन आप लोगों के लिए और जो जो एक हेल्पफुल वीडियो होगा. सो ज़्यादा बातें ना करते हुए लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज माय मेकअप कलेक्शन किट. मैं वन बाई वन में यू इस किट में क्या है, क्या क्या मैंने इंक्लूड करा है इस मेकअप किट में, मैं वन बाई वन आप लोगों को बताऊंगी. सो चलिए शुरू करते हैं. ये मेरा शादी का मेकअप बॉक्स है. एक्चुअली पहले मैं दिखाने वाली हूँ यहाँ पे प्राइमर. प्राइमर के लिए मैं मैं यहाँ पे देने वाली हूँ पहले तो ब्लू हेवन का प्राइमर. ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है और ये ऑयल फ्री है, नॉन ग्रीसी है. ये गर्मियों के सीज़न के लिए बेस्ट प्राइमर है और इसका प्राइस है 300. सो और भी ये किफ़ायती भी है. नेक्स्ट है मिस क्लेयर की स्टूडियो परफेक्ट प्रोफेशनल मेकअप प्राइमर. ये एक एंटी रेडनेस, ये देखिए ये एक एंटी रेडनेस प्राइमर है. और ये भी प्राइमर सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, ट्रांसपेरेंट है, ये भी आप पोर को मिनिमाइज़ करेगा. नेक्स्ट है फाउंडेशन. फाउंडेशन के लिए मैं बोलूँगी वेट एंड वाइल्ड की फोटोफोकस फाउंडेशन. ये इसमें मेरा शेड है गोल्डन बेज और ये है 599 का. बट ये आप लोगों को फ्लिपकार्ट में हमेशा ही डिस्काउंट में रहता है. एक नॉन ग्रीसी फाउंडेशन है और ये फाउंडेशन ऑयली स्किन वालों के लिए भी बहुत अच्छा है. ऑयली इवन ये बहुत ही एक सटल लुक भी देगा आपको. मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ, इस पर स्पैचुला भी है, ये देखिए ये इजीली हाथ में ब्लेंड हो जाता है और एक बटरी सॉफ्ट जैसा अच्छा फिनिश देता है. आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे यूज़ करा था और इस साइड का देखिए. नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन है मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन. ये सब लोग जानते हैं, बहुत ही वेल नोन ब्रांड है और इस पर मेरा शेड है 220. इस पर ये भी बहुत अच्छा फाउंडेशन है. इस पर एक चीज़ है, कोई स्पैचुला नहीं है, आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा. मैं इसका भी एक दिखाती हूँ आपको जामुन. ये आएगा 500 का आएगा परफेक्टली. इस पर भी कभी कभार नायका में या तो फिर फ्लिपकार्ट में आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगा. ये देखिए ये ब्लेंड करने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है. ये देखिए ये भी इजीली ब्लेंड हो गया है. ओके नेक्स्ट मैं दे रही हूँ फाउंडेशन के बाद कॉन्सीलर. कॉन्सीलर के लिए मैं यहाँ पे बताऊँगी वेट एंड वर्ल्ड का ही कॉन्सीलर है. ये बहुत ही एक अच्छा वाला कॉन्सीलर है, बहुत अच्छा इसका फिनिश है, इजीली ब्लेंड हो जाता है और मुझे ये बहुत पसंद है. इसका प्राइस भी बहुत अच्छा है, 399 है. ये भी आपको फ्लिपकार्ट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा, प्लस आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा. और एक कॉन्सीलर है मेरे पास, वो है एले प्रो का कॉन्सीलर जिस पे मेरा शेड है न्यूट्रल. ये देखिए इसका प्राइस है 595. अभी मैं दिखाऊंगी दो लूज पाउडर. लूज पाउडर के लिए मैं दिखाने वाली हूँ नंबर वन एडीएस का बनाना पाउडर. इसका प्राइस है 199 रुपीज़. और ये देखिए ये ऐसे में आता है, ये लग्जरी बनाना पाउडर है और मुझे ये बहुत पसंद है. नेक्स्ट है मेरा ऑल टाइम फेवरेट ब्लू हेवन का ट्रांसलूसेंट पाउडर. ये देखिए
ये मुझे बहुत बहुत पसंद है। इवन इसका स्मेल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये। इसका प्राइस भी मतलब बहुत ही सही वाला है, 125 है इसका प्राइस। और देखिए इसका क्वांटिटी कितना अच्छा है। नेक्स्ट मैं दिखाऊंगी कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ एक सनस्क्रीन जिसमें SPF भी होगा, ऐसा ही कॉम्पैक्ट। बिकॉज अभी गर्मियों का मौसम है और आप लोगों के लिए आई थिंक जिस कॉम्पैक्ट में हम लोगों को बहुत टाइम रहना पड़ेगा, मतलब ब्राइडल को बहुत टाइम रहना पड़ेगा, तो इसके लिए एक SPF हो ऐसा कॉम्पैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आपके पास लैक्मी सन एक्सपर्ट SPF 40 ट्रिपल PA++ वाला ये कॉम्पैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा वाला कॉम्पैक्ट है, मुझे ये बहुत बहुत अच्छा लगता है। अल्ट्रा मैट फिनिश देता है ये और इसका प्राइस है 210 रुपीज़। नेक्स्ट है लैक्मी का ही और एक कॉम्पैक्ट, लैक्मी का 925। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये वाला जो कॉम्पैक्ट है ये बहुत टाइम कवरेज देता है, ये देखिए, और इसका प्राइस है 450। नेक्स्ट मैं बताऊंगी आपको लिक्विड हाइलाइटर, बिकॉज ये ब्राइट के लिए है तो ग्लो तो आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये लिक्विड हाइलाइटर है। ये मालियों का ग्लैम ग्लो लिक्विड हाइलाइटर है, बहुत सही वाला हाइलाइटर है ये। आप हाइलाइटर ऐसे भी ड्रॉप लेके इसको फेस पे लगा के आप यूज़ कर सकते हो, या तो फिर आप कोई भी एक फाउंडेशन में आप इसको मिला लो, एक या टू ड्रॉप्स मिला लो, मिला के आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब जब भी इसको यूज़ करो इसके पहले आप इसको थोड़ा सा शेक कर लीजिएगा। तो ये देखिए ये ऐसे आता है और ये देखिए एक नेचुरल सा ग्लो आता है, कोई चंकी ग्लिटर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी मैट फिनिश है, बिकॉज आई हैव ए ऑयली स्किन, इसलिए मुझे मैट फिनिश वाला सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट पे यहाँ पे दिखाऊंगी बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो है वो है काजल। काजल के लिए मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शंस रखा हुआ है, ये देखिए ये स्टे क्वार्की का काजल है, इसका प्राइस है 125 और ये एकदम जेट ब्लैक है। जैसे और ये काजल है वाटर रेसिस्टेंट है, स्मच प्रूफ है, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, लास्ट फॉर ऑल डे लॉन्ग, ये सब कुछ इस पे लिखा हुआ है। लेकिन ये है भी, ये स्मच प्रूफ है, ये थोड़ा सा सेट हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और मेरे पास है फेसेस कनाडा का और एक है मैग्नेटिक आई काजल, इसका प्राइस है 179 रुपीज़। इसका भी बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा, ये देखिए इसमें भी है वाटर प्रूफ, स्मच प्रूफ और डर्मेटोलॉजी की ट्रस्टेड। ये देखिए स्कॉर्पियो का जो है स्टे क्वार्की का, बहुत ही अच्छा सही वाला काजल है। आईलाइनर के लिए भी मेरे पास 2 ऑप्शंस है और फर्स्ट मैं दिखाऊंगी यहाँ पे इनसाइड का शाइनी आईलाइनर, वाटरप्रूफ है ये, बहुत ही अच्छा वाला आईलाइनर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसका टिप देखिए, देखिए इसका टिप देखिए, बहुत ही अच्छा है, ये देखिए जस्ट 1 स्वाइप। और सेकेंड ऑप्शन मेरे पास है मेबेलिन का हाइपर ग्लोई लिक्विड आईलाइनर, ये देखिए ये है मेबेलिन वाला और ये है इनसाइड वाला। अभी मैं दिखाऊंगी ब्रॉन्ज़र, और ब्रॉन्ज़र के लिए मैं दिखाने वाली हूँ यहाँ पे NYBA का ये फाउंडेशन कॉन्सीलर ब्रश कंटूर है। आप इससे अपना जो परफेक्ट शेड है आप वो निकाल के ले सकते हो। मेरे लिए जो ब्रॉन्ज़र का काम करता है, मुझे ये ब्रॉन्जिंग करने के बहुत अच्छा लगता है। और ये यहाँ पे मेरा शेड है 7, ये देखिए बहुत ही अच्छा है,
ये एन वाई बे का है, ये एक्सक्लूसिवली आपको purple.com में ही मिलेगा बिकॉज उन लोगों का ये एक्सक्लूसिव ब्रांड है ये। और नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ एले गर्ल का और एक कॉन्सीलर जिसपे ये मेरा ब्रॉन्जी शेड है। अभी मैं दिखाने वाली हूँ ब्लश, और ब्लश के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे आई लव एसएफआर कलर का आई लव मैट। मैं ये ब्लश मुझे इसलिए पसंद है, इसका पिगमेंटेशन भी बहुत ही अच्छा है और इसका कलर देखिए, कलर्स बहुत अच्छा है। एक है कोरल कलर और है डार्क पिंक कलर, इसका पिगमेंटेशन देखिए। और एक है मेरे प्लस ब्लू हेवन का डायमंड ब्लश, इसमें मेरा शेड है 503। ये थोड़ा ऑरेंजिश कलर है और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी हम आते हैं आईब्रोज़ के लिए। आईब्रोज फिल किए बिना तो होगा ही नहीं कुछ। तो आईब्रो के लिए मुझे जो बहुत ही ज़्यादा पसंद है वो है मिस क्लेयर का आईब्रो पेंसिल। इसमें मेरा शेड है ब्राउन, मीडियम ब्राउन कलर, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस पर एक छोटा सा ऐसा स्पूली की तरह दिया हुआ है ब्रश जैसा, इसे आप पहले अपने आईब्रोज़ को कॉम कर ले, उसके बाद इससे ये पेंसिल से अपना आईब्रोज ड्रॉ कर ले। इवन मैंने भी अभी इसे ही करा हुआ है, देखिए कितना अच्छा सा लुक आता है। और नेक्स्ट है मेरे पास, और ये बहुत किफ़ायती भी है, आई थिंक 70 के अंदर तो आपको ये आ जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास मार्स का ये आईब्रो पाउडर, देखिए ये 2-in-1 आईब्रो पाउडर है। इसमें दो कलर है और इस पर मेरा आइटम नंबर है 2। देखिए बहुत छोटू सा प्यारा सा है कंटेनर, और इस पर मुझे ब्राउन और ब्लैक ये दो शेड मिल जाते हैं, साथ में एक छोटा सा एक ब्रश भी दिया हुआ है, एंगुलर ब्रश। नेक्स्ट मेरे पास है मस्कारा। मस्कारा के लिए भी मेरे पास दो ऑप्शंस है, एक है कलर बार का मस्कारा, ये है लैश इल्यूशन मस्कारा। ये एक डुओ, एक कॉम्बो पैकेट आप बोल सकते हो। इसमें एक है लेंथनिंग मस्कारा और एक है वॉल्यूमनाइजिंग मस्कारा। पहले आप इसे लेंथ को बढ़ाइए, उसे दो कोट कीजिए, उसके बाद आप इसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट वाले को फिर से कीजिए, और जब वो वाला हो जाए फिर से ये वाला लेके दूसरा पोर्शन लेके जो वॉल्यूमनाइजिंग है उसको आप देके फिर से दो कोट कीजिए। तो उसके बाद आप देखिए, बहुत लोग ऐसा है जिसको फॉल्सेस लगाना अच्छा नहीं लगता या तो फिर फॉल्सेस लगाते नहीं है, उन लोगों के लिए ये परफेक्ट है, परफेक्ट मस्कारा है। और नेक्स्ट है मेरे पास वेट एंड वाइल्ड का मेगा लेंथ वाटरप्रूफ मस्कारा। मैंने वाटरप्रूफ मस्कारा भी एक इंक्लूड करा है बिकॉज समर का मौसम है, समर सीजन है, आप लोगों को एक वाटरप्रूफ मस्कारा चाहिए ही होगा। सो दिस इज़ वेरी मच गुड मस्कारा, और इसका लेंथ भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से ये लेंथनिंग करता है। नेक्स्ट मैं दिखाने जा रही हूँ आई शेडो। आई शेडो के लिए मैं बोलूँगी आप वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो यूज़ कीजिए। इस पर पता नहीं मैंने और एक कहाँ पर रखा है, तो एक वाला अभी यहाँ पे है, लेकिन वेट एंड वाइल्ड का ही तो आप आई शेडो यूज़ कर सकते हो। देखिए इसमें बहुत सारा कलर्स है, छोटू सा आई शेडो पैलेट है लेकिन बहुत ही अच्छा है। देखिए आप लोगों को इसमें ट्रांजिशन कलर मिलेगा दो, उसके ऊपर ये थोड़ा सा हाइलाइटर कलर है, यहाँ पे थोड़ा सा शिमरी कलर है। इस पर आपको बहुत सारा डिफरेंट टाइप का कलर मिलेगा। इस पर ये वाला मेरे पास शेड है, लेकिन इसका और दो तीन पैलेट है अभी मेरे पास था, लेकिन शायद मिसप्लेस हो गया, मुझे मिल नहीं रहा है। सो इसका और एक है जिसपे पिंकिश कलर है, रेडिश कलर है, वो भी आप ले सकते हो। और नेक्स्ट मेरे पास है हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करने वाली हूँ पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वाइट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर, ये है ब्लॉसम। कोई चंकी ग्लिटर्स नहीं है, एकदम सटल लुक देता है। जस्ट लुक एट दिस। और जो मेरा अभी का करंट फेवरेट है, ये भी मैं इसके साथ इंक्लूड करने वाली हूँ, ये है इन कलर का हाइलाइटर।
इन कलर का मिराकल टच। ये बहुत ज़्यादा प्यारा सा हाइलाइटर है, इस पर मेरा शेड है पर्ल गोल्ड 04। जस्ट सी, और इसमें मुझे एक चीज़ और अच्छा लगता है, ये दो तीन कलर्स देता है। लाइक आपको कभी आपको गोल्डन लगेगा, कभी लाइट ग्रीनिश लगेगा, कभी सिल्वर कलर लगेगा। ये देखिए, इजिली ब्लेंड हो जाता है, कोई चंकी पार्टिकल्स नहीं है इस पर, कोई स्पकली जैसा नहीं है, बहुत ही अच्छा है। सामने हाइलाइटर हो और मैं यूज़ ना करूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। और मेरे पास है मेकअप फिक्सर के लिए आप यूज़ कर सकते हो। एक तो मैं बोलूँगी आपको ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत अफोर्डेबल भी है। इवन आप बोल सकते हो इट्स एन अल्ट्रा अफोर्डेबल प्रोडक्ट, जस्ट 300 रुपीज़ का आपको ये मिल जाता है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा वाला प्रोडक्ट है। और मैं नेक्स्ट आपको बोलूँगी स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर आप यूज़ कर सकते हो। इसमें एलोवेरा है विद विटामिन ई है। ये देखिए, बहुत ही छोटू सा क्यूट सा है और इसका प्राइस है 200 रुपीज़। कोई भी शादी हो, कोई भी पार्टी हो, बिना लिपस्टिक के तो होगा नहीं। तो आपके लिए मेरे पास कुछ ऑप्शंस है, लेकिन मैं इस वीडियो में सारा ऑप्शंस मैं इंक्लूड नहीं करने वाली हूँ। मैं सिर्फ दो या तीन ही दिखाने वाली हूँ। लिपस्टिक का भी एक अनदर सेपरेट वीडियो होने वाला है मेरे चैनल पे, उसको आप ज़रूर देखिएगा। एक्सक्लूसिवली फॉर रेड लिपस्टिक्स फॉर द ब्राइड्स, और दूसरे जिन लोगों को रेड कलर का लिपस्टिक लगाना बहुत पसंद है, बेसिकली फॉर दोज गर्ल्स वो होगा। तो अभी मैं दिखाने वाली हूँ फर्स्ट जो मेरा है लिपस्टिक, उस पर है ब्लू हेवन का नॉन ट्रांसपेरेंट लिपस्टिक। ये एक नॉन ट्रांसपेरेंट मैट लिपस्टिक है, अभी मैट लिपस्टिक ही चलता है, तो नॉन ट्रांसपेरेंट मैं लेने वाली हूँ। पूरा दिन आप लोगों को रहना पड़ेगा। सो जस्ट सी व्हाट इज द कलर। देखिए, जस्ट वाओ। और इसका प्राइस है 300। नेक्स्ट मैं दिखाने वाली हूँ कलर बार का और एक लिपस्टिक। इस पर मेरा शेड है 63 चेरी रेड। लुक एट दिस, देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर है। बट मैं ये वीडियो ख़त्म करने से पहले और एक चीज़ बताना चाहती हूँ, और वो है आप लोग सनस्क्रीन स्किप मत कीजिएगा, सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और सनस्क्रीन के लिए मैं ज़रूर रेफ़र करूँगी आप लोगों को लोटस हर्बल्स का सनस्क्रीन SPF 50 PA++। और ये मैट जेल प्रोडक्ट है, ये ऑयली स्किन के लिए तो बहुत अच्छा है ही है। ड्राई स्किन वाले भी इसको ज़रूर यूज़ करते हैं, नॉर्मल स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली फॉर ऑयली स्किन एंड नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए ज़्यादा अच्छा है ये वाला प्रोडक्ट। सो आज का ये वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ज़रूर मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और शादी सीजन है, आप लोग खुद भी सजिए, दूसरों को भी सजाइए। लिव ब्यूटिफुल, लव ब्यूटिफुल। बाय बाय।